आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मैं मौजूद हूं गुलाब भवन के बाहर और यहां से गुजरते वक्त मुझे यहां पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा लाइन जो है वो नज़र आई और मैंने कुछ लोगों से बातचीत भी की। उनका कहना है कि यहां पर आधार कार्ड जिनके नहीं बने हैं उसके लिए यहां पर टोकन दिया जा रहा है और आज इस तरह से मंडे हैं, मंडे को उनको टोकन दिया जाता है और उसके बाद अगले दिन जब उनकी बारी आती है तो उनका आधार कार्ड जो है उसके लिए जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके आधार कार्ड छूट गए थे, उसी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे बच्चे हों या बड़े हों सभी यहाँ पर लाइन में लगे हैं। मास्क की बात की जाए तो मास्क सबों ने लगाया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक के ऊपर एक व्यक्ति जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगा। जिस तरह से बात की जाती है कोविड से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, गाइडलाइन जो हमारी है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है और कई लोगों के मास्क जो हैं वो उनके नाक के नीचे हैं। तो अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई सुविधा दी जा रही है, अगर जिन लोगों का आधार कार्ड नहीं बना उन लोगों के लिए एक और पहल की जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना चाहिए कि लोग किस तरह से यहाँ पे खड़े हैं और किस तरह से उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा चौधरी बशीर अहमद। चौधरी जी मुझे बताइए टोकन मिल गया आपको? हमें टोकन तो मिल गया, सवेरे 5 बजे से यहाँ लगे हुए थे जी। और इस वक्त ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है इसके बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है जी। यहाँ पर 8 बजे 7 बजे यहाँ पर एक काउंटर रखना चाहिए इनको, जितने लोगों को टोकन देना है वो लोग टोकन लेकर चले जाएं, लाइन ना हो। तो दूसरा जो हॉस्पिटल में भी यही साहब है, क्योंकि वहाँ पर कोई डॉक्टर है जो कोई भी आदमी है कोई भी किसी को हाथ लगा के राज़ी नहीं है उन्हें लोकल क्लिनिक। लेकिन अभी यहाँ पर आधार कार्ड की बात हो रही है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, जिनके नहीं बने हैं अभी तक तो उनके बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक आपकी पहचान है आधार कार्ड। क्या कहेंगे आप ये जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है लोगों की ना कमियाँ खामियाँ हैं या एडमिनिस्ट्रेशन? ये एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये लोगों की नहीं है, लोग मजबूर है, उनको आधार कार्ड बनाना है। बच्चों के एडमिशन नहीं हो रही है, किसी का राशन कार्ड में लग रहा है नहीं है, कोई और काम है नहीं हो रहा है। तो पूरे जम्मू में यहीं पे एक काउंटर लगा है? बस एक काउंटर यहीं पर लगाया है, इनको कुछ नहीं करना था। जो इनकी है इनकी जो ढील मुलाजमों की है, इनको 8 बजे अगर सुबह 5 बजे लाइन लगती है, आप एक यहाँ पर टोकन देने वाला जितने भी टोकन आप देते हो, हम नहीं कहते 60 दे रहे हो 100 दे रहे हो कितने दे रहे हो जो इनका रूल्स है, मगर वो आप सवेरे सवेरे दे दो, क्योंकि इस वक्त औरतें हैं बच्चे हैं बूढ़े बुजुर्ग जितने भी है यहाँ बहुत ख़राब है। अगर इन लोगों में एक भी आदमी डैमेज पाया जाएगा तो ये सब बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ 10:30 11 बजे अभी टोकन मिले हैं हम लोगों को और हम सुबह 5 बजे से यहाँ से बैठे हैं। कोई अखनूर को कहाँ से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, सब लोग कोई लोग बेचारे पहुँचे नहीं हैं, इसलिए इसका हल जो है वो मीडिया है जी जी। और आप लोग ही इसको कर सकते हैं। अब क्या बोला गया आधार कार्ड का मिलेगा? आधार कार्ड का नहीं है, अब ये इन्होंने टाइम दिया है, किसी को 27 तारीख का, किसी को अगले महीने का, किसी को कब दिया, वो तो टोकन पे लिखा हुआ है। अब एक बात है कि जब ये देंगे वो अब इनके इन पर डिपेंड करेगा जी, मगर ये जो काम है तो इनका साफ तौर से कहना है कि पूरे जम्मू में यहीं पर एक ये जो गुलाब भवन है यहाँ पर टोकन देने के लिए यहाँ पर लाइन लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और भी कई जगह जो है एक कैंप लगाना चाहिए जहाँ पर लोग आ सके, और साथ ही साथ इनका कहना था कि एक ड्यूरेशन रखनी चाहिए टाइम की, ताकि लोग सुबह सुबह आकर अपना काम भी कर सके और जिस तरह से आधार कार्ड के लिए टोकन जो दिया जा रहा है वो भी जल्द से जल्द ले सके। तो ये जो टोकन आप देख रहे हैं इस तरह का टोकन जो है जितने भी व्यक्ति यहाँ पे आए हैं उन्हें दिया जा रहा है, और सुबह से ही जो लाइन में खड़े हैं उन्हें इस तरह का टोकन दिया जा रहा है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें टोकन जो वो नहीं मिल रहा, क्या कुछ कारण इनसे जानते हैं? आपका नाम? राजीव शर्मा। राजीव जी आप मुझे बताइए, आपने कहा कि पिछले कई दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं आपको टोकन नहीं मिल रहा, क्या कारण लगता है? जब भी नंबर आता मेरा तो टोकन ख़त्म हो जाते हैं, आज फिर नंबर आया तो आज टोकन मेरे को एक टोकन दे रहे हैं। 3 हफ्ते हो गए मेरे को घूमते हुए उनके पीछे, तो आज बोल रहे हैं कि एक ही टोकन मिलेगा एक फैमिली को और टोकन नहीं मिलेंगे, और आप एक लेना है सभी फैमिली का आधार कार्ड बन जाए? नहीं नहीं वो बोल रहे हैं एक ही बंदे का मिलेगा खाली टोकन। ओके। तो आपने अगर और बनाना है तो और किसी बैंक में चले जाओ, यहाँ पे हमें एक ही टोकन इशू करेंगे। अलग अलग बैंक में हो रहा है या सिर्फ यहीं जम्मू? यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक था, उधर कोई है ही नहीं है कोई मुलाजिम, उधर भी गया मैं दो। हाँ जी वर्किंग जो हो रही है? हाँ जी इधर ही देखा मैंने, 2-3 बार मैं गया उधर पंजाब नेशनल बैंक भी, उधर भी कोई नहीं आ रहा है। तो ये कारण है कि मेरे को आज टोकन दे रहे थे एक, मैंने वो भी नहीं लिया, मैंने कहा एक नहीं लेना। लोगों की काफी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है नजर आ रही, कुछ लोगों ने मास्क नाक के नीचे रखे। हाँ जी क्योंकि एक तरफ से बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो क्या कहेंगे इसमें लोगों की कमियां खामियां या एडमिनिस्ट्रेशन की? ये तो कुछ तो लोग खुद समझते नहीं है,
मास्क डालें, ये तो खुद बताते हैं कि मास्क खोल के बताते हैं कि फैशन है आजकल का फैशन, मगर जो भी है कि मास्क डालना चाहिए हर जहां पूरी दुनिया इसकी चपेट में है वहीं पे हमें खुद ही इसका ध्यान रखना। हाँ जी हाँ जी, ये हम खुद ध्यान रखना पड़ेगा जी। आपका नाम? मेरा नाम नगमा। नगमा मुझे बताइए आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पे आधार कार्ड के लिए यहाँ पर? एक्चुअली हरी मार्केट में एक SBI बैंक है, मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे तो मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर लगाए, वो भी डेट से थे जब जाओ तब टोकन ख़त्म हो जाते थे। अब फिर मेरे को यहाँ के लिए बताया कि यहाँ पे भी आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आई मैं लाइन में खड़ी हुई तब भी टोकन ख़त्म हो गए, तो अब सेकेंड टाइम आई यहाँ पे सुबह से मतलब लाइन में लगे। ड्यूरेशन क्या रखी है इन्होंने टाइमिंग? टाइमिंग का मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता क्या नहीं क्या नहीं, बट तो आप कितने बजे आए थे यहाँ पर? हम हो गए एक घंटा हो गया धूप में पीछे से खड़े हो, यहाँ तक आए यहाँ तक पहुँचे उन्होंने गेट बंद कर टोकन ख़त्म हो गया। ये क्या मतलब हुआ कि हम भी लाइन में खड़े हैं, कोविड चल रहा है, मतलब जान के साथ खिलवाड़ करके हम यहाँ पे आ रहे हैं फिर भी आगे ऐसा कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वजह रही होगी लेट जो देरी बढ़ती जा रही है? इतना रश है अब वो भी क्या करें, अब जितने टोकन हो गए वो भी। तो क्या अपील क्या करते हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या थोड़ा स्टेप चेंज करना चाहिए? चेंज की सबके लिए सोचना चाहिए ना, अब ये नहीं कि जो मतलब आए हैं हम भी तो आखिर घर से अपने काम वगैरह, अलग अलग जगह काउंटर और खोलने चाहिए ताकि लोगों को जरूर सहूलियत मिले। तो साफ तौर से इनका कहना है कि अलग अलग जगह जो है काउंटर खोलने चाहिए ताकि लोगों का एक ही जगह प्रेशर गवर्नमेंट को भी ना पड़े, और जितने अथॉरिटी के बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं जितने भी नुमाइंदे काम करें उन्हें भी प्रेशर ना पड़े। एक और हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम? रवेल बेगम। बेगम जी मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगे आप कि आप सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा रश है, और कई लोगों से मैंने बातचीत की उनका कहना है कि एक ही जगह काउंटर बना बाकी जगह भी लेकिन वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। हाँ बाकी जगह भी बनना चाहिए, कितनी चक्कर लगा रहे हैं सुबह से खड़े हैं। कहाँ से आए? जानीपुर से। जानीपुर से आए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील क्या करते हैं आप? अपील यही कि और कहीं खोलना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, बच्ची की एडमिशन नहीं हो रही, कितने चक्कर लगा रही हूँ मैं यहाँ। गुलाब भवन में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर एक सेंटर जो है लगाया गया है जहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। कई सारे लोगों के आधार कार्ड तो बन चुके हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके आधार कार्ड नहीं बने थे, और उसी के लिए आज सोमवार को टोकन यहाँ पर मिलता है। और कई लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोगों को टोकन मिला लेकिन कुछ लोग कई दिनों से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिला है। तो लोगों की एक ही ग्रीवेंस है, लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह काउंटर लगने चाहिए ताकि इतनी ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन नहीं होगा, और साथ ही साथ लोग भी सहूलियत के हिसाब से अपना टोकन ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुलाब भवन में ही इस समय यहाँ पर वर्किंग चल रही थी और यहीं पर इन लोगों को टोकन मिला था। कई सारे लोग सुबह से यहाँ पर खड़े थे, खजल हो रहे थे लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिला। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार ये लोग लगाते हैं कि और भी कहीं जगह इनके लिए सेंटर लगाया जाए, यहाँ और भी कहीं इनके लिए कैंप खोला जाए ताकि लोग आराम से अपना जो है आधार कार्ड बनवा सके, अपना टोकन ले सके। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।